गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो किड्स, हाउ आर यू। मैं आपकी मैम मिसेज रजनी मैम। सबसे पहले ऑल स्टूडेंट्स हैप्पी न्यू ईयर। देखिए बच्चों, आज नया साल भी है और आज नया टर्न भी है ना। थर्ड टर्म, जैसे कि आपने अभी सेकंड टर्म के एग्जाम दिए है ना, तो अब आपका थर्ड टर्म फाइनल टर्म चलेगा। ओके, तो आप थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से वर्क जिन्होंने नहीं किया है, मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगी कि अच्छे से वर्क करें। जैसे कि पोजीशन पर आए हैं बच्चे भूमिका बालक राम, राधिका कपासिया, चिराग, इनके जैसे बच्चों की तरह आप सब भी बच्चे वर्क करें, है ना। तो आज हम अच्छे से शुरुआत करेंगे अपने नए दिन की और नए टर्म की। ओके, तो सभी बच्चे एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। हिंदी की बुक निकालेंगे सभी बच्चे। हिंदी में आपका चलेगा पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6, चार वर्णों वाले शब्द। ओके, चार वर्णों वाले शब्द। इससे पहले हमने क्या किया था बच्चों, इससे पहले हमने क्या किया बच्चों, बताएगा कोई? देखिए, इससे पहले हमने फर्स्ट टर्म में हमने सबसे पहले स्वर व्यंजन ये सीखे थे, है ना। और सेकंड टर्म में हमने दो वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द ये बनाने और पढ़ने सीखे थे, है ना। और अब फाइनल टर्म में हम क्या सीखेंगे, चार वर्णों वाले शब्द। ओके, कौन कौन तैयार है मेरे साथ? देखिए सभी बच्चे, गुड। अब देखिए सभी बच्चे ध्यान से अपनी बुक निकालेंगे, उसमें पार्ट 6 निकालेंगे, ठीक है, जिसका नाम है चार वर्णों वाले शब्द, ठीक है। तो चलिए रीडिंग करते हैं। पार्ट 6, चार वर्णों वाले शब्द। ओके बच्चों, ये क्या है जो ये आपको ट्री दिखाई दे रहा है, ये क्या है? चलिए इसका नाम पढ़ते हैं, बरगद। ओके, जैसे आपने पहले दो वर्ण वाले शब्द पढ़े थे ना, बरगद। इसे आप दो दो वर्ण को मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बैर बर गैद गद बर गद कैट कट हैल हल कट हल। ओके, एज अज गैर गर एज अज गैर गर अज गर बैर बर तैन तन बर तन। ओके, किस किस बच्चे को समझ में आया? सभी बच्चे देखेंगे, बर बर गैद गद बर गद कैट कट है ले हल कट हल। ओके, एज अज गैर गर अज गर बैर बर तैन तन बर तन। सभी बच्चे मेरे साथ रीडिंग लगाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे, ब र बर ग द गद बर गद क ट ह ल कट हल अ ज ग र अजगर ब र त न बर्तन। ओके बच्चों, ये आज का आपका ओरल वर्क है, रीडिंग वर्क है, और ये आपको राइट भी करना है अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में आपको ये लिखना भी है, बिल्कुल सफाई के साथ अपने आप लिखेंगे। फाइनल टर्न चल रहा है, इसमें आप अपना वर्क अपने आप करेंगे। ओके, कोई किसी की राइटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं करवाएगा, अपनी नोटबुक में अपनी राइटिंग में वर्क करेंगे, ठीक है। ये आपके जो है चार स्पेलिंग है,
बरगद, कटहल, अजगर, बर्तन। ठीक है, सबसे पहले आप कैसे वर्क करेंगे, सबसे पहले आप डालेंगे डेट। ओके, डेट क्या है हमारी, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट 2021। ओके, इसके बाद में हम डालेंगे पाठ 6, चार वर्णों वाले शब्द, चार वर्णों वाले शब्द। इसके बाद में यहां पर हम डाल लेंगे होमवर्क। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, आज के लिए 4 ही। ओके, नेक्स्ट हम फिर धीरे धीरे ये बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी आपका शुरुआत है, तो इसलिए अभी आप 4 वर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ेंगे, बोल बोल कर तब लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या था, ब र ग द, क्या आ जाएगा यहां पर, बरगद। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, ब र त न, बर्तन। ठीक है, इसके बाद में अ ज ग र, अजगर। इसके बाद में क ट ह ल, कटहल। देखा बच्चों, बरगद, बर्तन, अजगर, कटहल। ओके, ये आपको ओनली 4 स्पेलिंग है जो आपको अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, सफाई से करेंगे, अपने आप करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश का वर्क। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। देखिए बच्चों, इंग्लिश में आपका चलेगा लेसन 13। ओके, लेसन 13। इससे पहले 12 चैप्टर तक आप कंप्लीट कर चुके हैं सेकंड टर्म में, है ना। तो सेकंड टर्म में आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, फर्स्ट टर्म में आपने अल्फाबेट, वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, और सेकंड टर्म में RAT RAT, BAT BAT, CUP CUP, है ना, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ई, यूज ऑफ आई, यूज ऑफ ओ, यूज ऑफ यू, ये आपने सेकेंड टर्म में किए थे, है ना। अप डाउन इन आउट करे थे ना। अब आपका चलेगा चैप्टर 13, यूज ऑफ दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। ओके, दिस मीन्स होता है बच्चों यह। देखिए चैप्टर 13, यूज ऑफ दिस एंड दैट। ओके, वी यूज दिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर, वी यूज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार, वी यूज दिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर। मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि काउ, काउ है हमारी ऑब्जेक्ट, ये अगर हमारी पास में है
तो हम लगाएंगे दिस, दिस इज अ काउ। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर है जैसे कि बॉल, दिस दैट इज अ बॉल, यानी कि वह एक बॉल है, ठीक है। जहां पर पास में है वहां पर दिस लगाना है, जहां पर दूर है वहां पर दैट लगाना है, ओके। चलिए रीडिंग करते हैं। वी यूज दिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर, वी यूज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार, ओके। जो हमारा पास में ऑब्जेक्ट है उसमें हमें दिस का यूज करना है, और जिस जो हमारा दूर वाला ऑब्जेक्ट है वहां पर हमें दैट का यूज करना है, ओके। दिस इज ए काउ, यह एक गाय है। दिस इज ए काउ, यह एक गाय है। दैट इज अ बॉल, ये एक बॉल है। दिस इज अ हैट, यह एक कैप है। दैट इज अ बुक, ये एक किताब है। दिस इज अ पैरट, यह एक तोता है। दैट इज अ क्रो, यह एक कौआ है, ओके। पेज नंबर 14, चैप्टर नंबर 13, ओपन योर इंग्लिश बुक, पेज नंबर 40, चैप्टर नंबर 13, यूज ऑफ दिस एंड दैट, ओके। फिर से रीडिंग करते हैं, सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। दिस इज ए काउ, दिस इज ए काउ, यह एक गाय है। दैट इज ए बॉल, दैट इज ए बॉल, ये एक बॉल है। दिस इज ए हैट, ये एक कैप है। दैट इज ए बुक, यह एक बुक है। दिस इज ए पैरट, यह एक तोता है। दैट इज ए क्रो, यह एक कौआ है, ओके। तो बच्चों सिर्फ इसमें आपको यह समझना है, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट मींस कोई भी पिक्चर्स बनी हुई है वो अगर पास में है तो वहां पर दिस लगाना है, टी एच आई एस, दिस। और कहीं अगर ऑब्जेक्ट मींस पिक्चर दूर बनी हुई है तो वहां पर आपको क्या लगाना है, दैट, टी एच ए टी, दैट, ओके। आप देखिए पिक्चर से मैं इसलिए बता रही हूं, अभी आप छोटे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, आपको पिक्चर से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर है ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जहां पर पिक्चर आपके पास में बना हुआ है, चित्र पास में बना हुआ है, वहां पर आपको दिस लगाना है, टी एच आई एस, दिस, ओके। और जहां पर दूर बना हुआ है वहां पर आप लगाएंगे दैट, ओके, टी एच ए टी, दैट, ठीक है। अब सभी बच्चे इसे पढ़ेंगे मेरे साथ फिर से। दिस इज ए काउ, दिस इज ए काउ। दैट इज अ बॉल, दैट इज अ बॉल। दिस इज अ कैप, दैट इज अ बुक। दिस इज अ पैरेट, दैट इज अ क्रो। अब हम इसे अपनी इंग्लिश की नोटबुक में किस तरीके से राइट करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बताइए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम डेट डालते हैं ना। डेट क्या है आज, अभी बताया था मैंने पीछे, सभी बच्चे बोलेंगे फर्स्ट 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 ऑफ मंथ और 2021, ओके। लेसन है आपका 13, यूज ऑफ दिस एंड दैट, ओके।
ओके, यूज ऑफ दीज एंड दैट, ठीक है। और यहां पर हम डालेंगे होमवर्क। इसके बाद में हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4। देखिए, दिस इज ए काउ, ठीक है। दैट इज ए बॉल, दिस इज ए पैरट, पैरट बनाने में आसानी नहीं होने की है, आउल बना देती हूं मैं, आउल, ओके। दैट इज अ कप। देखिए बच्चों, यहां पर मैं आपकी स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पिक्चर बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं सिंपल सी कुछ बना देती हूँ, ओके। दिस इज ए बैट, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, दिस इज ए बैट, ये क्या है बच्चों, ये है बैट आपका, ठीक है। दिस इज ए बैट, ये पास में है तो बैट, दिस क्या लग गया इसमें, दिस, और दैट इज अ बॉल, ये दूर है, तो हम यहां पर, ठीक है, इसलिए यहां पर क्या लगा है, दैट। दिस इज अ आउल, अब यहां पर हम आउल बना देंगे, यह है बच्चों आउल। आउल मीन्स क्या होता है, उल्लू। तो ये बच्चों कितने, ये पास में है ना, तो यहां पे क्या लगेगा, दिस, दैट इज अ कप। कप क्या है हमारा, दूर है कप, है ना, दूर है ना, यह हमारा कप, ठीक है। अब बताइए, दिस कहां पर लगता है, जहां पर पिक्चर पास में होती है, ठीक है। दैट कहां पर लगता है, जहां पर पिक्चर दूर होती है, दिस दैट, दिस दैट, ओके। दिस जहां पर पिक्चर पास में है, ओके। पिक्चर मींस ऑब्जेक्ट, और दैट मींस जहां पर दूर है, है ना, जहां पर दूर है आपकी पिक्चर, वहां पर क्या लगेगा, दैट, ओके। समझ में आ गया होगा सबके, यहां पर भी आपको फोर लाइन ही करनी है, ठीक है, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफी है। आप हिंदी में भी आज आपका नया वर्क है, और इंग्लिश में भी आज आपका नया वर्क है, ओके। तो सबके समझ में आ गया होगा, यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो बच्चों आप मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है, कॉल करके, स्कूल में आकर के कभी भी पूछ सकते हो, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, जीके। जीके जीके में आपके फ्लैग नेम है, इसमें आपको ओनली 5 लर्न करने हैं, ओके, ओनली 5 लर्न करने हैं। सबसे पहले आप करेंगे
नंबर वन पे इंडिया। ये फ्लैग्स दिए हुए हैं। फ्लैग मींस क्या होता है? तिरंगा झंडा जो होता है, झंडे होते हैं ना, तो कौन से देश में कैसे कैसे होते हैं, है ना। जैसे कि हमारी इंडिया में तिरंगा झंडा होता है ना, चाइना में दूसरा होता है, यूएसए में दूसरा होता है, श्रीलंका में दूसरा होता है, सभी जगह अलग अलग होते हैं, है ना। तो हमें फाइव लाइन करने हैं। फाइव नेक्स्ट वाली वीडियो में कराएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे, अच्छे से आपके समझ में आएगा और अच्छे से ही आपको समझकर करना है वर्क, ऐसे नहीं करना है, ओके। तो देखिए, सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर यूएसए, फोर्थ नंबर पर जापान और फाइव नंबर पर नेपाल, ठीक है। ये सिंपल सिंपल से आप सबसे पहले याद कर लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, ओके। इसके बाद में हम यहां पर डालेंगे फ्लैग्स नेम, ओके। यहां पर डालेंगे हम होमवर्क। सबसे पहला इंडिया, इंडिया सेकंड नंबर पर कौन सा था? चाइना। चाइना थर्ड नंबर पर यूएसए, फोर्थ नंबर पर जापान और फाइव नंबर पर नेपाल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें आपको एक बात बतानी है, इंडिया चाइना यूएसए जापान नेपाल, ये मैंने फाइव देश के नाम है, इनके आपको आगे झंडे लगाने हैं, बनाने हैं। मतलब कैसे बनाओगे? सबसे पहला ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपका इंडिया का, ठीक है। आप देखिए चाइना का, चाइना का कैसा है? ये आपको पता होना चाहिए, ये देखिए बड़ा सा स्टार बना हुआ है और फिर छोटे छोटे स्टार है। स्टार है क्या है? ओके, तो ये हो गया आपका चाइना का, ठीक है। आप देखिए यूएसए का कैसा है, इसमें आपको कलर भी करने हैं। ये देखिए यूएसए में आपको इसमें आपको ब्लू कलर करना है और इसमें आपको लाइनिंग बना दी है, रेड कलर करना है, ओके। अब देखिए जापान का, जापान का तो बहुत आसान है, इसमें कलर कर देंगे, ओके। इसके बाद में देखिए नेपाल का, ये देखिए
ओके तो इस तरह से आपको ये फ्लैग अपने मम्मी से या फिर बुआ से बनवा लेना, पर आपको पहचान होनी चाहिए, है ना। तो फ्लैग को देख करके आपको ये नेम याद करने हैं। ओके ये वाले नेम आपको याद करने हैं कि कौन से फ्लैग में कौन सा नाम आएगा, ठीक है। मैं आपको फ्लैग बना कर दूंगी, बट आपको सही नाम लिखना है बिल्कुल, कि कौन से वाले देश का फ्लैग है। ओके चलिए इनकी स्पेलिंग पढ़ लेते हैं एक बार। INDIA इंडिया। CHINA चाइना। USA ओके फोर्थ नंबर पर। JAPAN जापान। और फाइव नंबर पर NEPAL नेपाल, ठीक है। फिर से देखिए, इंडिया, चाइना, USA, जापान और नेपाल, ठीक है। आज मैंने आपको जीके में, हिंदी में, इंग्लिश में नया वर्क दिया है, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान पूर्वक करेंगे, अच्छे से करेंगे, पढ़ पढ़कर। आज जब तक आप बोलकर पढ़कर वर्क नहीं करोगे, तब तक आपकी हैंडराइटिंग भी सही नहीं होगी और आपको याद भी नहीं होगा, है ना। इसलिए जो भी वर्क करेंगे आप मुंह से बोल बोल कर, पढ़ पढ़कर तब करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके थैंक यू।